हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दाता जी टेक्निकल में। तो कुछ दिन पहले मैंने एक्सेटेल का ब्रॉडबैंड लगाया है जो कि हमारे एरिया में नया नया आया है। तो मेरे को ज़रूरत थी ब्रॉडबैंड की, तो मैंने लगवा लिया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे कैसा लगा एक्साइटल का ब्रॉडबैंड लगवाने के बाद, कैसी इसकी स्पीड आती है और मुझे क्या कॉस्ट पड़ रहा है, और आप भी इसको कैसे लगवा सकते हैं, क्या चार्जेस आपको पड़ेंगे मंथली। तो इन्होंने जो मुझे राउटर दिया है वो साइरोटेक कंपनी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइरोटेक लिखा हुआ है। और जो ये राउटर है ये ड्यूल बैंड राउटर है, जिसके अंदर 5 GHz और 2.4 GHz दोनों बैंड सपोर्ट करते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलती है, चाहे आप कितने भी MBPS का प्लान आप यूज़ कर रहे हो, स्पीड एकदम कांस्टेंट आपको, जितनी स्पीड आपको प्लान में मिलती है उतनी ही मिलेगी। तो मैं आपको थोड़ा राउटर के बारे में बता देता हूँ कि राउटर में क्या क्या है। तो ये जो लॉस लाइट है, ये जब जलती है जब आपका वायर में कोई कनेक्शन इशू होता है या वायर कटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2.4 GHz पे है जो कि ऑन है, ये 5 GHz पे है जो कि ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों बैंड काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट का भी लाइट जली हुई है, तो इंटरनेट की लाइट जली हुई है मतलब इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ये केबल है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये जो केबल है इससे ये राउटर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ये जो केबल है ये लैन केबल है जो मेरे PC से जुड़ी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 एंटीना है, तो इसकी रेंज बहुत अच्छी है। ये मान लीजिए ये 2 फ्लोर बिल्डिंग में आराम से काम करता है 2.4 GHz बैंड वाला, ठीक है। 2.4 GHz जो बैंड है वो आराम से आप बोल सकते हैं 2 फ्लोर पे आराम से काम करता है, ऊपर और नीचे दोनों। लेकिन जो 5 GHz है वो सिर्फ सिंगल फ्लोर पे काम करेगा क्योंकि उसकी जो रेंज है वो बहुत कम है। लेकिन 2.4 GHz वाले की बहुत अच्छी रेंज है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपको स्पीड 50 MBPS तक ही आएगी। अगर आपका प्लान 100 या 200 MBPS है तो उसमें आपको 50 MBPS तक ही स्पीड मिलेगी। बाकी अगर आप 5 GHz वाला यूज़ करते हैं उसमें आपको फुल स्पीड आएगी जितना आपका प्लान होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी स्पीड कितनी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरे एक्साइटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन का स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा। मैंने जो ये प्लान ले रखा है ये 100 MBPS प्लान है, ठीक है। तो इसमें स्पीड भी देखते हैं कितनी आती है। मैंने ये जो PC है ये लेन से कनेक्ट किया हुआ है, वाईफाई पे नहीं चल रहा है, ये लेन के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो स्पीड सबसे ज़्यादा आएगी क्योंकि वाईफाई में थोड़ी ड्रॉप होती है स्पीड, तो मैंने लेन से कनेक्ट कर रखा है। तो आपको पूरी फुल स्पीड मिलेगी जो एक्साइटेल आपको प्रोवाइड कर रहा है कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने speedtest.net खोला हुआ है, तो चलिए देखते हैं कितनी स्पीड आ रही है मेरे 100 MBPS प्लान में एक्साइटेल के। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए देखते हैं कितना आता है। 9 पिंग आ रही है और आप देख सकते हैं कि डाउनलोड स्पीड अराउंड 250 के प्लस गई है, और मेरा जो प्लान है वो 100 MBPS का है, तो ये धीरे धीरे कम हो रही है। 115 तक आ गया है, तो 114.55 आया है डाउनलोड स्पीड। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो अपलोड स्पीड है वो 130 प्लस पहुँच गई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे कम हो रही है, अराउंड ये 110 तक रुक जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड test.net पे इतनी स्पीड आई है जो मेरे 100 MBPS प्लान की है। तो एक बार मैं दोबारा आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कितनी स्पीड आ रही है दोबारा इसी पे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरे स्पीड टेस्ट वेबसाइट पे स्पीड टेस्ट करके दिखा दूंगा। मैंने speedtest.net खोल लिया है, ठीक है। आपने प्रीवियस टेस्ट देख लिया है कि कितनी स्पीड आ रही है, तो एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ कि दोबारा कितनी स्पीड आ रही है। तो ये मैंने ऑन कर दिया है टेस्ट, तो चलिए देखते हैं। अब 10 पिंग आई है और आप देख सकते हैं कि 350 तक पहुँच गया था डाउनलोड स्पीड, बट मेरा कनेक्शन 100 MBPS का है, तो ये 300 प्लस जाने के बाद फिर ये धीरे धीरे कम हो जाता है। तो 114.555 है डाउनलोड स्पीड, और यहाँ अपलोड स्पीड भी लगभग उतनी ही आ रही है। तो मेरे को लेन में ज़्यादातर, मैंने जब भी मैं टेस्ट करता हूँ तो लगभग इतनी ही स्पीड आती है। बाई चांस कभी इवनिंग के टाइम ये 100 या 100 से थोड़ी कम आती है, उससे कम नहीं होती है, तो स्पीड इसकी बहुत अच्छी है। चलिए मैं आपको दूसरी
स्पीड टेस्ट वेबसाइट से टेस्ट करा देता हूँ ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि ये स्पीड इतनी ही आती है। तो यहाँ पे मैं आपको स्पीड टेस्ट एक नई दूसरी वेबसाइट से करा रहा हूँ जो कि fast.com। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी स्पीड लगभग 100 के ऊपर ही आ रही है जो कि मेरा प्लान 100 Mbps का है। तो 120 स्पीड आई है इसमें डाउनलोड स्पीड जो कि प्रीवियस स्पीड टेस्ट की स्पीड से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बार अपलोड स्पीड चेक कर लेते हैं कितनी आती है। तो अपलोड स्पीड 120 पहुंच गई है, 110 99 हो गई है, 98 96 91 20 स्पीड आई है डाउनलोड fast.com पे और 87 आ रही है अपलोड पे। एक बार मैं आपको दोबारा fast.com पे स्पीड टेस्ट करा देता हूँ ताकि आपको श्योरिटी हो जाए। तो यहाँ पे 150 टच कर गई है डाउनलोड स्पीड और ये धीरे धीरे 100 के आसपास आके रुक रही है। तो 110 पे ये रुक गई है डाउनलोड स्पीड। तो अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं 120 110 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टूल लगाया हुआ है जो स्पीड मेज़र करता है, तो ये आराम से मेगाबाइट में बता रहा है, 13 तक आ रही है यहाँ पे स्पीड, तो 83 दिखा रहा है, लेकिन जो नीचे मेगाबाइट पे कैलकुलेट कर रहा है वहाँ पूरी स्पीड आ रही है। तो हो सकता है इस टूल में कुछ इश्यू हो अपलोडिंग टेस्ट करने में। तो लास्ट स्पीड टेस्ट मैं आपको ये गूगल के स्पीड टेस्ट टूल से करा के दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसमें एक्चुअल में कितनी स्पीड आती है, क्योंकि हम डिफरेंट टूल से चेक कर रहे हैं कि स्पीड किस पे कितनी आ रही है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप गूगल टूल पे करीब 500 तक पहुँच गई थी अब डाउनलोड स्पीड और धीरे धीरे ये 100 के करीब आती जा रही है, तो 130 120 के आसपास आ रही है। और यहाँ पे अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं कि 200 तक टच कर गई है लगभग और 130 125 के आसपास ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल टूल में भी 119.7 डाउनलोड आई है, 115.9 अपलोड आई है। तो आई होप आपने पीसी के अंदर कितनी स्पीड आती है आपने देखा होगा। पीसी के अंदर स्पीड जो है वो लेन से आ रही है, वाईफाई नहीं कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको मोबाइल में वाईफाई के थ्रू कितनी स्पीड आती है वो आपको चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन से बैंड वाला वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर 5 GHz वाला बैंड कनेक्ट किया हुआ है। तो अब मैं आपको speedtest.net वाली वेबसाइट खोल के उसके अंदर स्पीड टेस्ट कराऊंगा। तो चलिए मैं खोलता हूँ speedtest.net और मैं इसको डेस्कटॉप मोड पे कर रहा हूँ। और चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ स्पीड टेस्ट को कि वाईफाई में कितनी स्पीड आती है 100 Mbps प्लान में, वो भी 5 GHz बैंड पे। तो चलिए देखते हैं कितनी स्पीड आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा ये 300+ टच करता है और उसके बाद तो 140+ आ रही है अभी। तो ये धीरे धीरे 100 के पास जा रहा है डाउनलोड स्पीड। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड लगभग 110 के आसपास आई है और ये आ गई अपलोड स्पीड। तो अपलोड स्पीड भी 150 के आसपास क्रॉस कर गई है, तो ये भी करीब करीब 100 के आसपास आके रुक जाएगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि वाईफाई के अंदर 5 GHz बैंड पे 100 Mbps प्लान पे कितनी स्पीड आएगी। तो आपको अब मैं fast.com से स्पीड टेस्ट चेक करा देता हूँ। तो चलिए fast.com खोलते हैं। यहाँ पे fast.com खुल गया है। तो यहाँ पे जो स्पीड आ रही है वो 20+ आ रही है, अभी 50 हो गई 60, तो यहाँ पे 70+ आ गई, 70 Mbps स्पीड आई है और 11 ms का पिंग दिखा रहा है अब। और ये धीरे धीरे अपलोड स्पीड बढ़ रही है, 70+ 95 तक गई है, 90+ आ गई है स्पीड।
तो आप देख सकते हैं कि 100 Mbps प्लान पे भी बहुत अच्छी स्पीड आती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 100 Mbps प्लान में, जो एक्साइटल का 100 Mbps प्लान का इंटरनेट स्पीड है। तो अब मैं आपको एक थर्ड स्पीड टेस्ट वेबसाइट से स्पीड चेक कराता हूँ जो कि गूगल सर्च पे आता है, तो चलिए देखते हैं उस पर कितनी स्पीड आती है। तो मैं गूगल पे स्पीड टेस्ट सर्च करता हूँ जिससे गूगल का वो स्पीड टेस्ट टूल आ जाएगा। अब इसको मोबाइल फ्रेंडली पे क्लिक कर देता हूँ। अब चलिए सर्च करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 160 अबव स्पीड आ रही है डाउनलोड स्पीड, जो कि अब धीरे धीरे 100 के आसपास पहुँच रही है। तो 120, 116 अब अपलोड स्पीड आ गई है, तो अपलोड स्पीड 112, 109 के आसपास स्पीड आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1718 के आसपास स्पीड आ गई है। तो मैंने आपको पीसी में क्या स्पीड आती है और मोबाइल पे क्या स्पीड आती है दोनों दिखा दिया है। पीसी में लेन से कितनी स्पीड आ रही है आपने देखा ही होगा, और मोबाइल पे वाईफाई में 5 GHz पे कितनी स्पीड आती है आपने देख ही लिया होगा। तो अब मैं आपको इसके एक्साइटल के प्लान्स दिखा देता हूँ कि क्या प्राइसिंग मुझे पड़ रही है और आपको क्या पड़ेगी अगर आप इसका कनेक्शन लगाते हैं। आप excitel.com पे जाएंगे जो इनकी ऑफिशियल साइट है, तो यहाँ पे आपको सारे प्लान्स दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं 100 Mbps का प्लान 399 पर मंथ ओनली लिखा हुआ है और 300 का 499 पर मंथ ओनली, लेकिन इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, GST इंक्लूडेड नहीं है, तो वो अलग से आपको 18% देना होगा पर प्लान। तो थोड़ा मैं आपको प्लान्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब आप पहली बार excitel.com को खोलेंगे तो आपको यहाँ CR है, तो आपको क्या करना है इनमें से कोई भी सिटी जिन पे आप रहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन लगाया है जयपुर में कनेक्शन लगाया है, तो मैं जयपुर सेलेक्ट करता हूँ। तो जयपुर का प्लान यही है, लगभग सेम ही प्लान है हर सिटी का, लेकिन कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 100 Mbps का प्लान लगवाया है जो कि मैंने 9 months के लिए लगवाया है, ठीक है, जो मेरे को पड़ रहा है 424 विथाउट GST। अगर आप इसके अंदर GST ऐड करेंगे 18%, तो लगभग आपको 500 रुपीज़ का पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, इनटू 18 डिवाइडेड बाय 100, तो 76 रुपीज़ का आपको यहाँ पे GST देना पड़ेगा। तो 76 प्लस 424, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो मंथली प्राइस पड़ेगी 500 रुपये 32 पैसा, लगभग 500 रुपये पर मंथ की पड़ेगी अगर आप 9 months का पूरा पेमेंट कर देते हैं एडवांस में। तो आपको पर मंथ इसका 500 चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप 12th month वाला प्लान लेते हैं जिसमें 399 रुपीज़ है, तो इसमें आपको लगभग 470 रुपीज़ का पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 399 इंटू 18% GST डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 71.82 पैसा आपको देना पड़ेगा प्लस 399 GST, ठीक है। तो 399 प्लस 71.82 रुपीस GST, तो आपको ये 470 रुपीस का पर मंथ पड़ेगा अगर आप 12 months का एक बार में कनेक्शन लगवा लेते हैं एडवांस पे करके। तो ये बहुत चीप है, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको इंस्टॉलेशन का बता देता हूँ कि इंस्टॉलेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या रहेगा। तो मैंने जब ये कनेक्शन लगवाया था तो हमारे एरिया में नया नया कनेक्शन आया था ये, तो वायरिंग और जो फाइबर वायर्स हैं वो हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन फ़ी और सिक्योरिटी फ़ी देना पड़ा था, तो मैंने सिक्योरिटी के लिए 2000 रुपीज़ दिए हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर फाइबर कनेक्शन, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 1500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज और फाइबर वायर के दिए हैं, क्योंकि मेरे एरिया में उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ पे बिल्कुल भी वायरिंग नहीं हो रखी है, तो हमें बहुत दूर से वायर ला के आपको कनेक्शन देना पड़ेगा, इसलिए मुझे 1500 देने पड़े हैं, ठीक है। और ये जो 2000 रुपये आप सिक्योरिटी के दोगे जो मैंने दिए हैं, ये वाईफाई राउटर के हैं, क्योंकि मैंने राउटर उनसे लिया था, ठीक है। तो आप भी अगर उनसे राउटर लेते हैं तो आपको ये 2000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, बट इसमें यह है कि आप जब आपको रिफ़ंड मिलेगा ये जब आप कनेक्शन बंद करवा देते हैं, आप 1 साल बाद या 2 साल बाद जब भी आप कनेक्शन बंद करा देते हैं वो राउटर ले जाएंगे, आपको 2000 रुपये आपके रिफ़ंड कर जाएंगे। और इसमें यह भी है कि अगर आपका राउटर कभी भी बाई चांस ख़राब हो जाता है चलते चलते,
तो वो आपको नया राउटर लगा जाएंगे बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे लिए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप चीज़ से टूटे ना या उस पर कोई लिक्विड ना जाए, क्योंकि उस पर कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका सिंपली ख़राब होता है चलते चलते तो आपका रिप्लेस हो जाएगा वह राउटर फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपके पास राउटर है पहले से तो आपको एक ANU डिवाइस लेना पड़ेगा, तब जाके आप उस राउटर पे एक्साइटल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन करवा सकते हैं। और ये ANU का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ये लेते हैं, ये 700 रुपीज़ है। तो आपको 700 रुपीज़ देना पड़ेगा ANU के लिए, और फिर आप अपने राउटर के साथ एक्साइटल ब्रॉडबैंड यूज़ कर पाएंगे। और ANU का भी सेम सीन है कि जब आप कनेक्शन हटवाएंगे तो ANU वो ले जाएंगे और 700 रिफंड दे जाएंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनका राउटर ले लें अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई राउटर नहीं है, और आप बाहर से ना ख़रीदें, बिकॉज़ इनका राउटर अच्छा है, स्पीड भी अच्छी देता है। आपने स्पीड टेस्ट में देखा ही कि स्पीड अच्छी है, और मैंने भी इसको मतलब अभी तक बहुत चलाया है तो कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। और अगर ये राउटर ख़राब भी होता है तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप बाई करते हैं बाहर से तो वो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम का पीरियड में वारंटी ही रहती है, उसके बाद वो ख़राब होता है तो आपको फिर खुद ही सही करवाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप जब तक यूज़ करें हैं तब तक आपको राउटर वो खुद दे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ख़राब होता है। तो आशा करता हूँ आपको एक्साइटल के सारे प्लान्स और स्पीड टेस्ट के बारे में पता लग गया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है एक्साइटल ब्रॉडबैंड के बारे में आप तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और आपको एक्साइटल रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो उसकी टॉपिक के ऊपर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे एक्साइटल के रिलेटेड ऐसा कोई वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।